जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्र सफूरा जरगर का आरोप है कि यूनिवर्सिटी उनका एडमिशन कैंसिल करने जा रही है। उनका कहना है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें कोविड एक्सटेंशन मिलना चाहिए, जिसकी वो यूनिवर्सिटी से मांग कर रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें देने से इनकार कर रही है, ऐसा सफूरा का आरोप है। मई 2022 में यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन देकर बताया था कि एमफिल और पीएचडी के छात्रों को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, केस टू केस बेसिस पर, कि उनके जो थीसिस है उसकी क्या स्थिति है। अब एक सवाल उठता है कि सफूरा को कोविड एक्सटेंशन चाहिए अपनी थीसिस के सबमिट करने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें क्यों नहीं दे रही। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 2020 से हम लोग पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और इस माहौल में रिसर्च एकदम से स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, पढ़ाई एक तरह से स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। जब पूरी यूनिवर्सिटीज कम्प्लीटली शट डाउन थी, लाइब्रेरीज शट डाउन थी और लॉकडाउन था और लोग कोविड से जूझ रहे थे हॉस्पिटल्स में, और किस तरह से कोविड की वेव्स डिजास्ट्रस रही हैं वो सबको पता है। इस सब के बीच में आई हैड अ प्रेगनेंसी, I had a state attack, and in spite of that, you know, I finished my fieldwork. It is an ethnographic study. My study is an ethnographic study, और उसमें बहुत जरूरी है कि एक बहुत intensive fieldwork किया जाए, जो कि मैंने fieldwork किया, जिससे मेरी जो supervisor है वो satisfied भी थी। सफूरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या ये issue सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है या फिर और भी कई students के साथ university ऐसा व्यवहार कर रही है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि और स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने 8th ईयर में हैं पीएचडी के, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4-4 साल में अपनी एमफिल सबमिट की है, बट सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा किया जा रहा है। यहां तक कि ये बात सिर्फ आज के एक्सटेंशन का नहीं है, अगर हम पिछली 3 एक्सटेंशन भी जो मुझे मिली हैं, वो मतलब दे हैव मेड मी बेग फॉर इट, इट्स नॉट, और जो वो एक्सटेंशन जो बिना देखे स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं, यू नो, बिकॉज दीज आर जस्ट फॉर्मेलिटीज। मोस्टली जो एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, इट इज नॉर्मल कि वो लोग एक्सटेंशन लेते हैं, बट मुझे वो एक्सटेंशन रुला के दी गई। यू नो, आई वॉज अगेन एंड अगेन टोल्ड दैट आप कुछ काम नहीं कर रही हैं, बट यू नो, बिकॉज आई हैड सबमिटेड वर्क, आई हैव सबमिटेड एट एवरी स्टेज, आई हैव सबमिटेड ऑल माई वर्क एंड माई प्रोग्रेस रिपोर्ट शो दैट देर इज प्रोग्रेस एज पर माई प्रोग्रेस रिपोर्ट, उनमें प्रोग्रेस है मेरे काम में। यहां तक कि नवम्बर तक मेरी सुपरवाइजर वॉज हैप्पी विद माई वर्क। आई डोंट नो नवम्बर के बाद ऐसा क्या हो गया कि सडनली उनको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, और जो एक नॉर्मल एक्सटेंशन एक विमेन स्कॉलर के लिए कुछ सोच समझ के एक्सटेंशन दिया गया है और सब लोग लेते हैं, तो मुझे क्यों, किस बेसिस पे डिनाई किया जा रहा है। यहां तक कि इवन दो आई हैड अ प्रेगनेंसी, यू नो, आई डिडंट टेक अ मैटरनिटी लीव बिकॉज आई वाज वर्किंग, मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करूं और सबमिट करूं, बट उसके एंड आई स्टिल हैव एन ऑप्शन ऑफ कि दे कैन कंडोन द डिले एंड दे कैन गिव मी अ चाइल्ड केयर लीव। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि मेरा सुपरवाइजर चेंज हो सकता है, इफ नहीं सुपरवाइजर के साथ बात बन रही है काम की, वी कैन नॉट कम टू अ कॉमन ग्राउंड, बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा सकते थे, बट दे आर हेल बेंट ऑन जस्ट कैंसिलिंग माय एडमिशन। सफूरा, जब दिल्ली में 2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, तब आप वहां पर एक मुख्य चेहरा भी रहीं, आपको क्या लगता है कि उसके पीछे का कोई कारण है कि यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर रही है? देखिए, आई हैव पेड अ वेरी हेवी प्राइस फॉर बीइंग अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, यू नो, मुझे लगता है कि इतना काफी होना चाहिए था कि आपने मुझे जेल भेज दिया, आपने मेरे पे बहुत सारे केसेस लगा दिए, यूएपीए केस लगा दिया, प्रेगनेंसी, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माय प्रेगनेंसी इनसाइड प्रिजन, यू नो, और बाहर आके भी, एंड इट वाज अ पैंडेमिक, और भी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, और मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं यू नो मेरे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी जेल में हैं, जैसे उमर खालिद, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, गुलफिशा फातिमा, दे आर स्टिल इन जेल, यू नो, एंड आई फील थैंकफुल कि एटलीस्ट मैं बाहर हूँ, यू नो, लोगों ने मेरे लिए एक लड़ाई लड़ी, रिलेंटलेस फाइट दिया, मेरे लिए जस्टिस डिमांड किया, पीपल बिकेम माई वॉइस, एंड दैट इज वाई आई वॉज आउट। और अब मैंने सोचा था कि ठीक है, आई हैव डन माई पार्ट, आई हैव गिवन माई कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चाहे वो आप देश के लिए कहें या जस्टिस के लिए कहें या यूनिवर्सिटी के लिए कहें या स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कहें या एज बींग ऑल्सो बिकॉज आई वॉज वी आर बींग टारगेटेड फॉर बींग मुस्लिम, उसके लिए कहें, आई हैव गिवन माई पार्ट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश माई स्टडीज, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट माई डिग्री।
तो यू नो कहीं ना कहीं बिकॉज आई हैव अ बेबी ऑल्सो आई हैव नॉट बीन वेरी पॉलिटिकली एक्टिव आप कह सकते हैं इनसाइड द कैंपस बिकॉज यूनिवर्सिटीज हैव बीन शट डाउन. तो मुझे समझ नहीं आता कि इसके पीछे और क्या रीजन हो सकता है एंड मैं कब तक सीए एक्टिविस्ट होने की प्राइस पे करती रहूंगी. एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करती हैं, जब आप ये सारे उनको केस बताते हैं कि जब यूजीसी आपको एक्सटेंशन दे रहा है, तो ऐसे पे यूनिवर्सिटी आपको क्या जवाब दे रही है? I have tried every channel to talk to the department, to supervisor. I have went and I said that, you know, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो हाथ जोड़ के माफी दे दीजिए. मेरे को सिर्फ अपनी थीसिस सबमिट करनी है, सिर्फ मेरी थीसिस सबमिट कराइए सो दैट यू एंड आई कैन बोथ मूव ऑन इन लाइफ. ठीक है, क्योंकि मुझे भी जिंदगी भर जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं रहना है. आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई स्टडीज, डू माई रिसर्च, यू नो, आफ्टर दैट ऑल्सो. बट ऑल कॉल्स एंड ऑल अपील्स हैव गॉन अनआंसर्ड. यूनिवर्सिटी के कई और भी बच्चे हैं जो सीए के टाइम पर काफ़ी एक्टिव थे और आज भी वो जेल में बंद हैं. जैसे मैं मिरान हैदर की अगर बात करूं, तो यूनिवर्सिटी का उन बच्चों को लेकर क्या स्टैंड रहता है, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा. देखिए, जब मैं मीरान और शिफा भाई व्हेन वी वर अरेस्टेड, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को हमारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था अपने यूनिवर्स. और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नए स्टूडेंट्स थे. शिफा और रहमान जो थे वो एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. वो कई सालों से यूनिवर्सिटी में रहे हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी के आसपास रहे हैं. मीरान हैदर मुझे लगता है कि कम से कम वो उन्होंने 9th से जामिया में अपनी पढ़ाई की है और मैं भी 2016 से यूनिवर्सिटी में हूँ. आई थिंक इतने टाइम में यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को जान जाती है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है. और हम ऐसे कोई नए चेहरे नहीं रहे हैं, हम एक वी हैव बीन रिलेंटलेस एक्टिविस्ट इन द यूनिवर्सिटी. वी हैव रेज्ड वॉइस फॉर स्टूडेंट इशूज, हमने काफी बात की, हमने काफी स्पेस क्रिएट किया है पॉलिटिकल स्पेस कैंपस में. तो यूनिवर्सिटी हमें जानती थी और अपने स्टूडेंट्स के लिए उनको स्टैंड लेना चाहिए था. बट वो एक छोटी सी चीज जो कहते हैं ना, जो एक बेसिक चीज होती है, यू नो, स्टैंड नहीं लिया गया. इस मुद्दे पर हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ये स्टोरी पब्लिश होने तक हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.